आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। अभिषेक बच्चन को आपने गले लगाया? जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। आपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया? जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विवेक ओबेरॉय को आप? सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। आई थिंक के एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके नाम क्या उनका विवेक ओबेरॉय उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो उन्होंने काफ़ी फिल्म मेरे दोस्त यार के साथ भी की है, मैंने कभी ये भी नहीं कहा है कि मत लो कुछ ना, यू नो संजू के साथ भी पिक्चर कर ली है और बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ पिक्चर की, और तो मुझे ये कभी आई हैव नेवर हैड दैट प्रॉब्लम। इट्स जस्ट दैट देयर इज समबडी दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन मीटिंग और शेकिंग हैंड्स इन, सो आई जस्ट मूव अवे। कान पकड़ के माफी मांगी थी पब्लिकली आपसे तो भी? सर ये सब मुझे ना थोड़ा सा ओवरटली स्ट्रेंज लगता है। देखिए सर, अभी एक हाल ही फंक्शन के अंदर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, फंक्शन के अंदर सेम चीज़ हुई तो मैं हट गया। अब मुझे ऐसा लगा कि ये माइलेज के सलमान हैज़ नॉट फॉरगिवन, सलमान is not being nice, you know, as a host, he was hosting the show, he should have, you know, been gracious. I said, ye ilzaam main lena chahunga. I said, this is something that I would want to take, then going and shaking hands and giving the other kind of mileage. So this is, I'm fine with that. अभिषेक को माफ कर सकते हैं? सर अभिषेक ने, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। शाहरुख को माफ कर सकते हैं? सर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, वो झगड़े हो गए ठीक हो गया, बट दिस इज समथिंग आई जस्ट डोंट लाइक पर्सनैलिटी। अगर मुझे वाकई में किसी से बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूँगा।